आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले मोदक। मैंने इनको ना मैदा से बनाया है, ना सूजी से, ना ही मावा से। और आप यकीन मानिए, मैंने इन्हें बिना गैस जलाई ही बनाया है। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखने में जितने सुंदर लग रही है ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इन मोदकों को बिस्किट से बनाऊंगी। मोदक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाली जी बिस्किट का प्रयोग किया है। आप अपने पसंद के अनुसार कोई से भी बिस्किट प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 40 बिस्किट लिए हैं। अब मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, इसमें हम बिस्किट्स को डाल देंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। हमें पाउडर एकदम से बारीक ही बनाना है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट वाले बिस्किट भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, चॉकलेटी फ्लेवर आता है। तो देखिए, इस तरीके से डाल करके मैंने इनका बारीक पाउडर बना लिया है। अब देखिए, हम इस तरीके से चेक कर लेंगे और इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें कभी कभी मोटे पार्ट्स भी रह जाते हैं। वैसे मैंने इसका अच्छी तरीके से पाउडर बारीक बना लिया है, फाइन पाउडर, लेकिन हम फिर भी छान लेते हैं। हमने लिया है इस तरीके से एक चलनी और इसमें हम इसको डाल करके इस तरीके से हम छान लेंगे। देखने में तो ये मोदक बहुत ही सुंदर लगते हैं और बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में। अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसको छान लिया है। इसमें ये जो भी मोटा पार्ट है हम इसको हटा देंगे। देखिए, मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे मीठा। मीठे के लिए मैंने ये बूरा लिया है। आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 छोटी चम्मच मिला रही हूँ। वैसे जो बिस्किट्स होते हैं उसमें भी मीठा टेस्ट होता है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ही मिलाएं। और इसमें फ्लेवर देने के लिए अच्छा सा हम कोको पाउडर, इसकी भी मैं 3 छोटी चम्मच ले रही हूँ। अगर आप चॉकलेट वाले बिस्किट ले रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें एक और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं मिला रही हूँ इसमें इलायची पाउडर। आप चाहें तो केवड़ा मिला सकते हैं, आप चाहें तो कोई एसेंस मिला सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम लेंगे दूध, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर वाला दूध है। हमें ना गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल करके इसको डो फॉर्म में लाएंगे। हमें ज़्यादा दूध का प्रयोग नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन पतला ना हो। देखिए, मैं हाथ से इसको अच्छी तरीके से मल लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डाल करके एक स्मूथ आटा यानी डो फॉर्म में हमने इसको कर लिया है। बस हमारा मोदक का डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे, और ये इस तरीके से आप मोदक बनाने का सांचा मिलता है मार्केट में, आसानी से बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। आप इस तरीके से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा घी लगा करके चिकना कर सकते हैं। मैंने इनको घी लगा करके चिकना कर लिया है। अब हम डो का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे अच्छी तरीके से दबा दबा कर, और जो भी एक्स्ट्रा डो होगा उसको हम हटा देंगे। जब ये अच्छी तरीके से दबा करके फिल हो जाए पूरी तरीके से, तब हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। देखिए, हमारा कितना अच्छा मोदक बनाया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इसी तरीके से सभी मोदकों को बना लेती हूँ। देखिए, बहुत ही कम समय में फटाफट से हो गए ना तैयार मोदक, और देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से सिल्वर बॉल ली है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आप केक वगैरह वाली दुकान पर किसी पर भी आप ले सकते हैं, और इस तरीके से हम इनके ऊपर लगा देंगे, और ये बॉल बहुत ही आसानी से चिपक जाती हैं और काफ़ी समय तक लगी रहती हैं। देखने में भी सुंदर लगती हैं, खाने में भी टेस्टी लगती हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, और बच्चे भी बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। देखिए, हमारी इस तरीके से मोदक बन करके रेडी हो गए हैं।
देखिए इस तरीके से बिना गैस जलाए झटपट मोदक बनकर के तैयार हो गए हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप टेस्ट करके बताइए, बनाइए और टेस्ट करके बताइए कि ये खाने में कैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप मोदक बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।